अब बात कर लेते हैं श्रवण की। तो भैया श्रवण क्या करता है? श्रवण मतलब जिसका दिमाग खुला हुआ है, जिसको पता है कि ये जॉब है और मैं इस जॉब के लिए इतना कैपेबल हूं, तभी इस कंपनी ने मुझे हायर किया इस काम के लिए। मतलब उसके अंदर एक अंदर से कॉन्फिडेंस है। अब दूसरी चीज क्या अच्छी चीज होती है श्रवण के अंदर, वो वहीं पर रुकता नहीं कि भैया तुम्हारा काम है तो हम यही दिन भर करते रहेंगे, तुम्हारा काम जो करेंगे अच्छे से करेंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा हम खुद को अपग्रेड करेंगे, उसके बाद जो टाइम बचेगा हम खुद को अपग्रेड करेंगे, दूसरे जगहों पे हम लोग अप्लाई करते रहेंगे, रिज्यूम को अपडेट करते रहेंगे और दूसरे जगहों पे इंटरव्यू देते रहेंगे, नई नई चीज़ों को सीखते रहेंगे। श्रमण क्या करता है, उसका दिमाग खुला रहता है। ऐसा नहीं कि जॉब बुरा है, जॉब में भी बहुत लोग पैसे पा रहे हैं, तो श्रमण क्या करता है, पूरी तरीके सोचता रहता है, चाहे गूगल पे देख रहा है, naukri.com पे देख रहा है, इंडीड पे देख रहा है, लिंक्डइन पे देख रहा है, नए नए लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, उस सेक्टर में जो बड़े बड़े महारथी हैं उनसे कॉन्टैक्ट बढ़ा रहा है। उसका मेन टाइम मेन फोकस इन सब चीज़ों पे है। काम डेफिनेटली उसको पता है कि काम करूंगा तो पैसा मिलेगा, तो काम के टाइम पे जस्ट काम करके सबमिट करते हैं।